नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अनंत चतुर्दशी 2024 के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करूंगी। इस साल अनंत चतुर्दशी, जिसे हम अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं, किस दिन मनाई जाएगी, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त तो होगी, इस दिन व्रत रखने का क्या महत्व होता है और इसका क्या लाभ होता है, व्रत सबसे पहले किन्होंने धारण किया था और किन चीजों की प्राप्ति हुई थी। अनंत चौदस का व्रत इस बार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है, तो क्या वो शुभ संयोग है, और पूजा का जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, अनंत सूत्र बांधते हैं, उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, भादो मास के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, उसी दिन हम अनंत चौदस अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं। अनंत चतुर्दशी, देखिए, भगवान विष्णु का ही एक नाम है अनंत, और आज के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है, यमुना माता की पूजा की जाती है, और भगवान विष्णु जिस शैया पर, शेषनाग की शैया पर रहते हैं विराजमान, तो शेषनाग की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं? दोस्तों, इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आज के व्रत के दिन अगर आप दान पुण्य और जो कर्म करते हैं, उसका पुण्य फल भी अनंत प्राप्त होता है। आज जो अनंत सूत्र बांधते हैं, उसमें 14 गांठें होती है। आप कच्चे सूत का अनंत सूत्र आपको मिल जाता है बाजारों में, आप घर में भी तैयार करते हैं। अब देखिए, बहुत तरह के अनंत सूत्र मिलते हैं, लेकिन जो पहले विधान था, कच्चे सूत से 14 गांठों वाला एक सूत बनाया जाता था, उस सूत्र को ही पूजन पर रखा जाता था भगवान श्री विष्णु की पूजा में, और अपनी बाजू पर से अगले 14 दिनों के लिए धारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो अनंत सूत्र है, ऐसा माना जाता है, जो ये 14 गांठों वाला अनंत सूत्र है, ये 14 लोकों का प्रतीक है। तो समस्त प्रकार के आपके जीवन में जो इच्छाएं होती हैं, उन सभी चीजों की आपको प्राप्ति हो जाती है भगवान श्री विष्णु की कृपा से। तो यही महत्व है इस व्रत का। खासतौर पर देखिए, उत्तर भारत में इस व्रत को धारण किया जाता है। अनंत सूत्र जो मानते हैं ना, उसका जो विधान है, वो मैं आगे शेयर करूं। उससे पहले बता दूं कि जैसे मैंने आपको महत्व बताया कि अनंत सूत्र जो लोग बांधते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि महाभारत काल में द्रौपदी सहित पांडवों ने इस व्रत को किया था, और इस व्रत के पुण्य फल से ही उन्हें अपने राज्य की सुख समृद्धि, जो उनका खोया हुआ राज्य था, उन्हें वापस पुनः प्राप्त हुआ था, और हर प्रकार के सुख समृद्धि को उन्होंने प्राप्त किया था भगवान श्री विष्णु की पूजा इस दिन करके। तो यही महत्व बताया जाता है। अनंत चौदस व्रत अब इस साल किस दिन रखेंगे और क्या शुभ संयोग है, मैं बता दूं। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन ही ये जो चतुर्दशी होती है ना, ये गणेश विसर्जन की भी तिथि होती है। 10 दिनों तक हम बप्पा को अपने घर में रखते हैं, तो चतुर्थी की तिथि में आते हैं गणपति, और भादो मास के शुक्ल पक्ष की, और चतुर्दशी की तिथि में उनका हम विसर्जन करते हैं। हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है। और इस बार जो खास संयोग है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर को देखिए, हर साल हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाते हैं, तो इस बार गणेश विसर्जन हम करेंगे, अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करेंगे, और साथ ही विश्वकर्मा पूजा भी मनाई जाएगी। तो ये तीन व्रत एक साथ इस बार मिल रहे हैं 17 सितंबर को, तो बहुत ही शुभ है ये दिन। अब चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, ये भी जान लीजिए। चतुर्दशी की तिथि देखिए प्रारंभ तो हो जाएगी 16 सितंबर को ही, दोपहर में 3:10 पर, और ये समाप्त तो होगी आपको 17 सितंबर को सुबह में 11:44 पर। तो अनंत चौदस का देखिए, बहुत लोग व्रत करते हैं, तो जो व्रत धारण करेंगे वो 17 सितंबर को ही व्रत धारण करेंगे, इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। कई लोग देखिए, गणेश विसर्जन जो है वो 16 तारीख को भी कर रहे हैं इस बार।
अब दोस्तों जो पूजा का अनंत चौदस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। तो आज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह में 6:07 से 11:44 तक, क्योंकि 44 मिनट तक ही चतुर्दशी की तिथि है, तो 5 घंटे 37 मिनट की समय अवधि है, बहुत लंबी समय अवधि है। इसी समय में आपको पूजन कर लेना है। अब पूजा का विधान क्या होता है और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, तो पूजा आज जैसे मैंने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु की करेंगे, यमुना माता की करेंगे और साथ ही शेषनाग की करेंगे। तो देखिए अनंत जो सूत्र बांधते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं वो अनंत सूत्र बांधते ही हैं। तो अनंत सूत्र अगर आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, मिल जाता है कच्चे सूत का, ऊन का, तो आप वो ले आए। बस ध्यान ये दें कि उसमें 14 गांठे बनाई जाती है, वो गांठे गिन करके आप लाए, 14 गांठे। परिवार के सभी सदस्य बांध सकते हैं और कई परिवारों में जो व्रती होते हैं वही धारण करते हैं, तो ऐसा अगर आपके परिवार में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा में हम इस अनंत सूत्र को परिवार में जितने सदस्य हैं वहां रखते हैं और उसके बाद में उसे धारण करते हैं। आज की पूजा में जैसे मैंने बताया भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो आप भगवान श्री विष्णु की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, सीजन के जो भी फल होते हैं, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, वस्त्र दीजिए। यमुना माता के लिए देखिए लोटे में एक पात्र में जल रख करके उसी में उस जल को ही यमुना नदी मानते हो हम उनका पूजन करते हैं, और उसके बाद में हम एक खीरे में सारे अनंत सूत्र लपेट करके उसमें ही यमुना में ही उसे मंथन करते हुए इस पूजा को संपन्न करते हैं। तो एक लोटे में या एक पात्र में ही आपको इस पूजन को संपन्न करना है। आमतौर पर देखिए जो पंडित होते हैं, आचार्य हो, वो इस पूजन को संपन्न करते हैं। अगर आप उस विधान से नहीं कर सकते तो अपने घर में भगवान श्री विष्णु की पूजा करके आप वहीं पर अनंत सूत्र रख सकते हैं और पूजन के बाद में उसे उठाकर धारण कर सकते हैं। अनंत सूत्र मैंने आपको बता ही दिया 14 गांठों का होना चाहिए। जो अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनके लिए एक और बात यहीं पर मैं बता दूं, ये व्रत देखिए 14 सालों तक, 14 कार्य के दिन बहुत महत्व होता है, तो आपको 14 सालों तक लगातार करना चाहिए अगर इस बार आप पहली बार उठा रहे हैं तो, और आपको 14वें वर्ष करने के बाद में 15वें वर्ष में इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनंत सूत्र, अब महिलाएं जो अनंत सूत्र बांधेंगी वो बाएं अपने बाजू में और जो पुरुष बांधते हैं वो अपने दाएं बाजू में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और आज के दिन देखिए शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको करना है पूजन के बाद में, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कई लोग तो देखिए भोजन कर लेते हैं, मतलब मीठा भोजन कर लेते हैं भगवान श्री विष्णु की पूजा के बाद में, अनंत सूत्र बांधने के बाद में, और कई लोग आज फलाहार भी व्रत रखे रहते हैं पूरे दिन का, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आज घर में जो है ना तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनाना है। जो लोग भी अनंत सूत्र बांधते हैं उन्हें अगले 14 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है जब भी आप अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो अपनी किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हैं, जैसे कि सुख सौभाग्य के लिए, संतान के लिए, अपनी उन्नति तरक्की के लिए, किसी भी इच्छा को मन में रखते हुए आप 14 सालों तक अनंत चौदस का व्रत कर सकते हैं। तो संपूर्णता से ये सभी जानकारियां हैं अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़ी हुई। आगे भी मैं अनंत चतुर्दशी व्रत के सभी नियम आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको सहूलियत होगा अगर आप भी इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी कर लें। आगे भी आपको आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु।